आप लोग जिसको समझना है मेरा गृहस्थी प्लान क्या है वो समझ जाएगा, जिसको उसमें बुराई ढूंढना है वो बुराई ढूंढेगा, जिसको अच्छाई ढूंढना है वो अच्छाई ढूंढेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप यू आर फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स जो अगरतला में कहते हैं, द रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा हैज नेवर बीन अगेंस्ट एनी कम्युनिटीज और एनी रिलीजन। आप लोग जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी हमारी फैमिली ने सबसे पहले आदर किया। आज भी पैलेस में दो बार नमाज पढ़ा जाता है। आज भी अगर आप पूछेंगे कि बंगाली लैंग्वेज को सबसे पहले जो ऑनर किया गया था वो त्रिपुरा ने किया, तो हमने कभी भी कोई कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं की। हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अपने त्रिपुरा साह के लिए बात कर रहा है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। और अगर आज आप देखेंगे कि पंजाब में करतारपुर बॉर्डर होता है जहां से पंजाब से लोग पाकिस्तान जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिद्धू जाके पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगा। एक कल्चरल बॉन्ड होता है। आज बीजेपी ने एक लॉ पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जहां में जो भी हिंदू है, जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको इंडिया आने का एक मौका मिल रहा है। ये इलेक्शन के लिए नहीं, ये कल्चरल बॉन्डिंग के लिए। जब कोई बात करता है कि अखंड भारत को एक होना चाहिए जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया एक होना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्टी अलग अलग जगह में इलेक्शन फाइट करेगी। एक सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है। तो जैसे कि सामी लोग हैं यूरोप में, चार अलग अलग देश में है, लेकिन उनका एक सोशियो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें उनका कम्युनिटी रहता है। तो मेरा ग्रेटर त्रिपुरा यही बोल रहा है, आज अगर अभयनगर, नंदनगर, उज्जैनता पैलेस को आपने ग्रेटर त्रिपुरा के अंदर लाया है तो क्या प्रॉब्लम है? एक मैसेज जाता है कि आज के दिन सब लोग कहते हैं कि ट्राइबल का कैपिटल है त्रिमुलु और जो नहीं है उनका कैपिटल है अगरतला। मैं चाहता हूं कि अगरतला में भी एक ट्राइबल एंटिटी हो, और जो लोग मेरे ग्रेटर त्रिपुरा को अपोज करते हैं वो लोग ही तो अलायंस में है जिस पार्टी ने त्रिपुरा डिमांड किया था, वो तो एकदम अलग बात कर रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगरतला में भी हमें जगह मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमें एक कल्चरल सोशल कल्चरल एंटिटी बनना चाहिए जहां में हम कम्युनिटी, अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को सामने रखें और पॉलिटिक्स बाद में करें। 37 में तो